नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम उत्तरी अमेरिका की कृषि की चर्चा करेंगे। ये मैप यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, फल, जौ, कपास, इसके साथ में पशुपालन में भेड़ पालन, मछली पालन और अन्य पशुपालन, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में हो। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में यांत्रिक व विस्तृत व्यापारिक कृषि का विकास हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक विकसित महाद्वीप है। यहाँ पे जब यूरोप से जाके लोग बसे तो उन प्रवासियों ने वनों को काट के कृषि प्रदेशों का विकास किया। इस महाद्वीप की कृषि की विशेषता है कि 10% से कम श्रम शक्ति कृषि कार्यों में लगी हुई है, फिर भी इसका कृषि उत्पादन विश्व के अन्य देशों से अधिक है। अर्थात टोटल अगर जो पॉपुलेशन है उसका केवल छोटा सा भाग, 10% भाग ही कृषि कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फसलों का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन से बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण अगर हम देखें तो वो है यांत्रिक और विस्तृत व्यापारिक कृषि। यहाँ की फसलों में गेहूं, मक्का, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, गन्ना, चावल आदि प्रमुख फसलें हैं जो उत्तरी अमेरिका के अंदर उगाई जाती हैं। इनमें अगर हम देखें कि यहाँ की कृषि की प्रमुख विशेषताएं, तो चार बड़ी विशेषताएं: विस्तृत और व्यापारिक कृषि, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कम और भूमि क्या है, अधिक है, अतः यहाँ विस्तृत कृषि की जाती है। जनसंख्या कम होने के कारण निर्यात अधिक होता है और विस्तृत कृषि में फसलें अधिकांशतः एक्सपोर्ट करने के लिए ही पैदा की जाती हैं। अधिकांश जो फसलों का भाग है उसका निर्यात कर दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की कृषि की वो है यांत्रिक कृषि। तो उत्तरी अमेरिका में यांत्रिक कृषि का उच्च स्तर है, उसका कारण बड़ा क्षेत्रफल है, कम जनसंख्या है, जिसके कारण मानव श्रम है वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता। इन भौगोलिक परिस्थितियों से यहाँ पे कृषि कार्यों के लिए यंत्रों की सहायता ली जाती है। अमेरिकी देशों में कृषि का मशीनीकरण अपनी चरम सीमा पर है। कृषि कार्य के लिए खेतों को तैयार करने से लेकर भोजन सामग्री तक जो संपूर्ण कार्य है वो मशीनों से किया जाता है, और वो अधिकांश जो है उन्हीं कृषि फार्मों पर ही कर लिया जाता है। अर्थात वहाँ पे बीज से लेके फसल पकने तक और तैयार प्रोडक्ट होने तक का सारा प्रोसेस मशीनों के द्वारा वहीं पूरा कर लिया जाता है। तीसरा है कृषि का क्षेत्रीय विशिष्टीकरण। कृषि के क्षेत्रीय विशिष्टीकरण से अगर हम इसका अर्थ समझें तो क्षेत्र विशेष में विशेष कृषि उपजों के उत्पादन से है। तो उत्तरी अमेरिका में कई क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों का उत्पादन है, जैसे गेहूं उत्पादन में अग्रणी होने के कारण प्रेरी प्रदेश जो है वो विश्व की रोटी की टोकरी, अर्थात संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। महान झीलों के दक्षिण में इलिनॉइस, ओयोवा राज्यों के मध्य मक्का की पेटी है, और इसी प्रकार कपास की पेटी फैली हुई है। इन फसलों में अमेरिका का विशिष्टीकरण है। नंबर 4, बड़े कृषि फार्म हैं। अमेरिका के अंदर
कृषि फार्मों का आकार बड़ा है क्योंकि बड़े फार्मों पर कृषि यंत्रों और उर्वरकों के प्रयोग में सुविधा होती है। आधुनिक कृषि विधियों तथा उर्वरकों के प्रयोग के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। कृषि फार्मों पर कृषि कार्यों के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन जैसी अन्य आर्थिक क्रियाएं भी हो जाती हैं। यहाँ ट्रक फार्मिंग कृषि विकसित है जिसके अंदर फल और सब्जियों की व्यावसायिक कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका कपास, मक्का, तंबाकू आदि कृषि उत्पादों को दृष्टि से संसार में अग्रणीय है। कृषि यंत्रों के बढ़ते प्रयोग के कारण कृषिगत जनसंख्या के प्रतिशत में ह्रास की प्रवृत्ति यहाँ है। ये यहाँ की प्रमुख कृषि की विशेषताएं हैं। अब हम देखें कि कृषि प्रदेश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विविध प्रकार की जलवायु और मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई फसलों के लिए विशिष्ट प्रदेश सीमा अंकित करके उन्हें पेटी क्षेत्र अर्थात एक पर्टिकुलर बेल्ट कहा जाता है, एक जोन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मक्का की पेटी, गेहूं की पेटी, कपास की पेटी, ये पर्टिकुलर एक जोन है जिसके अंदर एक प्रकार की फसलों का बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन विशिष्ट फसल पेटियों का निर्धारण वहाँ के धरातल और जलवायु तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये यहाँ की क्लाइमेट और भूमि इस प्रकार की है कि एक विशेष प्रकार की फसल का बड़े क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है। ये यहाँ के कृषि प्रदेशों की विशेषता है। सर्वप्रथम ओ ई बेकर महोदय ने यहाँ के कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत किया। उन्होंने लगभग 13 भागों में बांटा, जिसमें आर्द्र उपोष्ण कृषि पेटी, कपास की पेटी, ट्रक फार्मिंग प्रदेश, मक्का एवं शीतकालीन गेहूं की पेटी, मक्का की पेटी, कठोर शीतकालीन गेहूं की पेटी, वसंतकालीन गेहूं की पेटी, घास एवं डेयरी प्रदेश, पशु चारण एवं सिंचित कृषि प्रदेश, कोलंबिया पठार का गेहूं उत्पादक प्रदेश, प्रशांत तटीय उपोष्ण कृषि प्रदेश, उत्तरी प्रशांत तटीय भाग जिसके अंदर घासें, चरागाह और वनों का प्रदेश है, और उत्तरी वन और घास के प्रदेश। ये अमेरिका के अंतर्गत विकसित कृषि के प्रदेश हैं जो उनका वर्गीकरण ओ ई बेकर महोदय ने किया था। अगर आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक लाभ वाली फसलों के आधार पर अमेरिका के कृषि प्रदेशों को देखें तो 5 भागों में बटे हुए हैं। गेहूं की पेटी, मक्का की पेटी, कपास की पेटी, तंबाकू की पेटी, घास एवं डेयरी पेटी, जिसमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण फसल है अमेरिका की मक्का पेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का की पेटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कुल मक्का के उत्पादन का 1/3 भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की 75% मक्का का उत्पादन ये जो मक्का की जो पेटी है उससे प्राप्त होता है। यह मक्का की पेटी एक विस्तृत पट्टी के रूप में फैली हुई है जो कपास की पट्टी के ऊपर तथा मक्का की पेटी के ऊपर दुग्ध व्यवसाय की पेटी है। क्षेत्र अगर हम देखें तो आयोवा, नेब्रास्का, इलिनॉइस, इंडियाना और ओहियो राज्य इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, इसी वजह से संसार में सर्वाधिक मक्का का यहाँ पे प्रोडक्ट किया जाता है। संयुक्त राज्य की अमेरिका के अंदर जो मक्का है उसके अधिकांश भाग को पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सुअरों को, क्योंकि यहाँ पे जो सुअर का मांस है अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है। तो लगभग कुल मक्का का जो उत्पादन है उसका 40% सुअरों को खिलाने को, 20% घोड़ों को, 15% दुधारू गायों को, 14% मांस
प्राप्त करने वाले पशुओं को और शेष जो है अल्कोहल बनाने के उपयोग में लिया जाता है। मक्का की पेटी में सोयाबीन, जई, राई, घास और गेहूं जैसी अन्य फसलें भी उत्पादित की जाती है, और ये यहाँ पे क्योंकि पशुओं को खिलाया जा रहा है, पशुओं से मांस प्राप्त किया जा रहा है, इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी जो है शिकागो है, जहाँ से बड़ी मात्रा में विदेशों को मांस का निर्यात किया जाता है। फिर है गेहूं की पेटी। गेहूं की पेटी को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है कि बसंतकालीन गेहूं की पेटी जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है और 300 से 800 किलोमीटर चौड़ी है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो प्रेरी प्रदेश है जिसमें डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मिनेसोटा, मोंटाना, नेब्रास्का और व्योमिंग राज्य सम्मिलित हैं, उसके अंतर्गत कनाडा में हम देखें तो ये विनिपेग का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये बसंतकालीन गेहूँ पैदा किया जाता है और इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड अर्थात संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में गेहूँ का प्रोडक्शन होता है और उसका अधिकांश भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में गेहूँ का तृतीय बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पे इसके अलावा शीतकालीन कठोर गेहूँ की पेटी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य और पश्चिम में जहाँ पे कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, पैनहैंडल, एरिजोना के अंतर यहाँ पे शीत ऋतु में गेहूँ है जो उगाया जाता है। तीसरी शीतकालीन मुलायम गेहूँ की पेटी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। चौथी कोलंबियाई पठार के क्षेत्र में जो कोलंबिया का पठारी प्रदेश है उसके अंदर गेहूँ का बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट किया जाता है। और पांचवी है कैलिफोर्निया गेहूँ की पेटी जहाँ पे भूमध्य सागरीय क्लाइमेट पाई जाती है, उस प्रदेश के अंतर्गत गेहूँ का उत्पादन होता है और वहाँ पे शीत ऋतु में वर्षाएँ जो होती है। तीसरा है कपास की पेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ कपास की कृषि देश के दक्षिणी राज्यों में जो नीचे वाला पार्ट है दक्षिण महासागर के तट से प्रशांत महासागर के तट तक की जाती है और यह 3 भागों में बटी हुई है। पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश के अंदर रेड प्रेरी क्षेत्र, तटीय टेक्सास और प्रेरी क्षेत्र है और इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ बड़ी मात्रा में कपास का प्रोडक्शन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ विश्व की कुल कपास का 15.6% भाग है जो प्रोडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखें तंबाकू की पेटी। तो विश्व की लगभग 7.1% तंबाकू का प्रोडक्शन यहाँ किया जाता है। अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा तंबाकू उत्पादक, इसके साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ पे 3 क्षेत्रों में तंबाकू उत्पन्न की जाती है जिसमें मैरीलैंड, जिसमें वर्जीनिया की तंबाकू दुनिया की सभी तंबाकुओं में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक तंबाकू की मंडियाँ हैं। इसके अलावा कैरोलिना प्रदेश, दूसरा केंटुकी प्रदेश है जो टेनेसी प्रदेश के अंदर है। यहाँ की मिट्टी उर्वर है, तंबाकू उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है कनेक्टिकट घाटी प्रदेश, चौथा उत्तरी फ्लोरिडा और जॉर्जिया, इसके अलावा लुसियाना और विस्कॉन्सिन प्रदेशों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। लास्ट है घास एवं डेयरी पेटी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनीसोटा से लेकर मिशिगन तथा ओहियो से पूर्व में मैन राज्य तक डेयरी फार्मिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अनाज उत्पादन की अपेक्षा चरागाह और दुग्ध व्यवसाय अधिक लाभप्रद है। अत्यधिक ठंड है, उसकी वजह से यहाँ फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता, मक्का पक नहीं पाती है, इसलिए 80% जो कृषि फार्म है उनके अंदर पशुओं को खिलाने के लिए चारा उत्पन्न किया जाता है, उस चारे से पशु पालन किया जाता है। फलस्वरूप यहाँ पे डेयरी फार्मिंग बड़ी मात्रा में की जाती है। दूध और दूध की सामग्री का यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है और बाकी क्षेत्रों के लिए यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो अमेरिका की कृषि की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं, कृषि प्रदेश जिसके अंदर बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का, कपास, तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम खनिज और शक्ति के संसाधनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।